हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो आज से फिर से हम जो हमारा टारगेट 99+ सीरीज़ चल रही है, आज उसी के लिए हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। साइंस का ही चैप्टर है, हमने फर्स्ट केमिस्ट्री का कर लिया है एंड वन मैथ का हो गया। एक मैथ का पढ़ चुके हैं, एक केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं, साइंस में केमिस्ट्री का। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है जिसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है फिजिक्स का जिसके बारे में वीडियो होने वाली है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे मोर। हमारी जो चल रही है टारगेट 99 है सीरीज़, अच्छी करके हमको ये क्या करनी है, अच्छे से हमको ये क्या करना है, सीरीज़ को पार्टिसिपेट करना है। तो इसीलिए हमने अभी टाइम हुआ नहीं है सेशन स्टार्ट होने का, बट हमने कर दिया है। हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स डन कर चुके हैं, देन ये थर्ड चैप्टर है हमारा सीरीज़ में। ठीक है, हमें दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट था। और मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ सीरीज़ के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप जा कर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने, जहाँ पर आपको ये 99 टारगेट वाला मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आज चैप्टर फर्स्ट है हमारा, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फिजिक्स ही स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले हमें फिजिक्स 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 है केमिस्ट्री पढ़े केमिकल्स के बारे में। फिजिक्स पढ़ेंगे किसके बारे में, इससे पहले बता दूं कि बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिकल्स में, बायो पढ़ते हैं मेडिकल में। तो फिजिक्स किस में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स हम इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाता फिजिक्स का, बिकॉज क्योंकि हम वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी का, स्पीड का, मेजरमेंट्स का, यूनिट्स का, क्वांटिटीज़ का, मास, वेट, मोशन, बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसीलिए हमारा फिजिक्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अपना, किसी भी आगे जाके आप जब कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो सब में हमें फिजिक्स इस्तेमाल में आएगा, इसलिए हमें फिजिक्स को भी अच्छे से पढ़ना होता है। और टेंथ क्या है हमारा, एक बेस है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लाइट रिफ्रैक्शन और लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, और बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस समझ रहे हैं आपको। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन और एक लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बिकॉज क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, लेंथी है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको दो पार्ट्स में बनाया जाए। इसीलिए मैंने सोचा भी कि मैं इसको दो पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, तो दो पार्ट्स में ये चैप्टर होगा, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर बट आसान है, जब आप सीखोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। आसान है, लेंथी है बट आसान है। ठीक है, अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अपना आप चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि जो भी हम पढ़ेंगे लिख लिख कर पढ़ेंगे, साथ साथ याद करते चलेंगे, सब बिल्कुल एकदम क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और न्यूमेरिकल्स, हाँ, मेन जैसे फिजिक्स में हमारे जाते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो है उसके लिए, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल की ही वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर देन हम बायो का फर्स्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा बायो का फर्स्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियो की मिलता है जब भी आए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को अपने को करते हैं स्टार्ट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए कि सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी से स्टडी करना स्टार्ट करें, क्योंकि टेंथ में हमें मार्क्स अच्छे डाले। तो करते हैं चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि दो ही चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रो दिया भी कि एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, दो चीज़ पढ़नी है सिर्फ, इन दो ही चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट लेंथी चैप्टर है पर आसान है, अच्छे से समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं धीरे धीरे बोलूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को समझिए, दोनों में डिफरेंस है, एक रिफ्रैक्शन है और एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने बीच में एक दो पाइप्स में डिवाइड करके बोर्ड को क्यों करा, क्योंकि मैं इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस बोल लीजिए समझ में आ जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ही बताऊँगा इनकी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ठीक है, ये क्या होता है, सपोज मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखिए
यहाँ हमारा ये क्या है, हमने यहाँ हम मिरर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे यहाँ मिरर या लेंस जो भी है वो यहाँ ऐसे डिनोट होता है, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं हम उसको, ठीक है। ये सपोज ये हमारा कोई भी मिरर या मिरर है हमारा, या कोई भी ये लेंस है, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ से रे सप्लाई करी, यानी कि ये हमारी यहाँ रे आई, तो रे यहाँ इस मिरर पे लगने के बाद वापस बैक होती है, यानी कि यहाँ से आती है और इस तरफ चली जाती है, ठीक है। यानी कि बाउंस हो गई, यहाँ से आएगा सीधे बाउंस होती है, वापस बाउंस होती है। सपोज मैं इस तरफ ऐसे धक्का लगा रहा हूँ तो वापस मुझे बैक मिल रहा है, तो बाउंस हो रहा हूँ ना मैं, तो यही बाउंसिंग है, ठीक है। अब सिंपली लैंग्वेज में बोले इसके डिफाइन बनानी चाहें तो क्या हो गया कि वो, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो कैसे लिखोगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की, तो बाउंस बैक हो रहा है सिंपली, कि हम सिंपली बोल सकते हैं बाउंस बैक हो रहा है, तो द प्रोसेस, प्रोसेस नहीं बोलेंगे, फिजिक्स से थोड़ा यूनिक रखना पड़ेगा, तो फिनोमिना यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंस रे ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। कोई भी हमारा पॉलिश्ड सरफेस है उस पर हमारी रे, अच्छा इंसिडेंस रे बोला मैंने, तो इंसिडेंस रे हमारी कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है। आई इंसिडेंस रे हमारी ये वाली होती है, एंड ये कौन सी होती है हमारी, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, इसके बहुत सारे नेम्स होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन रे हमारी ये वाली होती है, ये दो टाइप की रे होती है, एक तो इंसिडेंस रे एंड एक रिफ्लेक्शन रे। इसका सिंपली हम अगर डिफाइन लिखें तो डिफाइन क्या हो जाता है हमारा, देखिए सिंपली डिफाइन लिखता हूँ, द फिनोमिना, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इट्स रे, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे, ठीक है, इट्स रे ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की ही तो रे, हमने कोई लाइट यहाँ पर पास करी हुई है, सिंपल देखे आप समझिए, मैं इस तरफ सुना दूँ, यहाँ से हमने कोई लाइट ही पास करी, सपोज यहाँ हमारा क्या है लाइट है, हमने यहाँ से लाइट पास करी, देन वो यहाँ लगने इस पे एक पॉलिश सरफेस पर लगी, पॉलिश सरफेस पर लगने के बाद वो बाउंस बैक होती है, वापस से जाती है, ठीक है। तो इंसिडेंस रे ये जो आई हमारी, देन वापस गई, ये रिफ्लेक्शन रे हो गई, ठीक है। हमारी ये दो टाइप की रेज होती हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ यही लिखा हुआ है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, कि वो फिनोमिना जहाँ पर हमारी बाउंसिंग बैक वापस होकर जाती है कोई भी लाइट की रे, ठीक है। इतना मतलब समझना है इसका जो मैंने लिखा हुआ है ना, कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंस ऑन पॉलिश सरफेस, व्हेन इट इज इंसिडेंस, व्हेन इट इज इंसिडेंस, इंसिडेंस ये वाली रे हमारी, ठीक है, व्हेन इट इज इंसिडेंस ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ऑन पॉलिश्ड, ठीक है, ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारी यहाँ आप रिफ्लेक्शन की डिफाइन लिख सकते हैं, कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंस ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा क्या हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हुआ लाइट हो गया, लाइट का समझ बस सिंपली ये ध्यान रखना, अभी मैं देखो दूसरा वाला बताऊंगा, सिंपली समझ जाओगे ऐसे। इसका मैंने फर्स्ट डायग्राम देखा, ठीक है, यहाँ ये कोई भी सरफेस है हमारा, ठीक है, ये ऐसा सरफेस है कि यहाँ तो इसमें हमने सपोज करा वाटर है, ठीक है, ये नीचे वाटर है, यहाँ एयर है, ये वाला सरफेस है, ठीक है, मतलब पानी है, कोई भी ग्लास ले रहे हो पानी है वहाँ पर, तो पानी और उसके बीच में एक लेयर होती है, होते हैं लेयर जिसको क्या बोलते हैं इंटरफेस बोल देते हैं, इंटरफेस, ठीक है, वाटर और एयर को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है, वो है। सपोज हमने यहाँ से कोई भी इसमें रे पास करी, ऐसे जा रही है वो, तो वो रे हमारी ऐसे जाके 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 ऐसे मुड़ती है, थोड़ा सही से बना देता हूँ ताकि अच्छे से बने, ठीक है, कोई भी रे ऐसे जा रही है बिल्कुल ऐसे, तो ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये थोड़ा सा
बैंड हो जाएगा, ठीक है, ये यहीं से बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बैंड होके जाएगा, पर डायग्राम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बैंड होकर के यहाँ से जाएगा, इसको हम कुछ इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से हमारा बैंड होकर के जाएगा, बैंड नहीं हो पा रहा, थोड़ा सही से बैंड करते हैं कोई, हाँ ऐसे बैंड हो जाएगा। जबकि इसको जाना यहाँ से चाहिए था, आप बोलोगे स्ट्रेट जाना चाहिए था, यानी कि ऐसे जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा बैंड क्यों हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन में क्या होगा, और देन ये वापस सपोज यहाँ ये फिर से ख़त्म है, यहाँ एयर है वापस से एंड यहाँ वाटर है ये हमारा, ठीक है। तो ये वापस से जब यहाँ से ये चलेगा, ठीक है, तो ये निकलेगा वापस से, इसी को पकड़ेगा, ये जो यहाँ से आ रहा है ना वापस, इसी को पकड़ने के बाद यहीं से क्रॉस होकर के जाएगा इसी के साथ, तो यहाँ हमारा ये रिफ्रैक्शन में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, सॉरी कैप गिर गया, मैं कैप उठा लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या, इंटरफेस चेंज होता है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, द फिनोमिना अब बेंड हो रहा है, यहाँ ये हमारा यहाँ से इतना बेंड ही तो हुआ है, बेंड हो रहा है ना, बेंडिंग है, यहाँ बाउंसिंग बैक है, बेंडिंग है, इतना इन दोनों बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए, नहीं आ रहा समझ में दोबारा बताने वाला हूँ, दोबारा बताऊँगा, ध्यान सुना। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए हिंदी में, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग बैक, ठीक है, वो फिनोमिना जहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेंड हो रहा है, ठीक है, बेंडिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, ये हमने यहाँ डिफाइन लिखा कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर, कोई भी हमारा रे लाइट है कि रे है जो कि वापस से बेंड होती है, दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी, यहाँ हमारे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस में, पार्ट फर्स्ट में तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देन पार्ट सेकंड में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसे पार्ट सेकंड में और अच्छे से डिटेल पे जानेंगे, तो पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में, पार्ट सेकंड में इसके बारे में, ठीक है, दो पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम किसको पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं, इसको भी समझ लेना, फिलहाल मैंने थोड़ा बेस बता दें, बेस टाइप में, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ है हमारा ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सरफेस, यानी कि कोई भी हमारी रे लाइट की, रे की लाइट है बेंड होकर वापस जा रही है, ठीक है, ऐसे वापस जा रही है किसी पॉलिश सरफेस से, तो क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्शन होगा किसका, लाइट का। सपोज यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ हमने एंगल ड्रॉ करा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, हमने यह नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इसका, तो ये जो इंसिडेंस वाला एंगल है, एंगल आई होता है हमारा, देन ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल जो होता है ये आर होता है, ठीक है। अब हमारे क्या, जो हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर हमने इसमें नॉर्मल ड्रॉ करी, तो हमारा जो होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ये हमारा एक नेचुरल फैक्ट है जो कि हमें इसमें होगा, ठीक है। हम किसी भी रे का लेंगे ऐसे, इसमें रिफ्लेक्शन किसी भी रे का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हमारा एंगल आई एंड एंगल आर क्या होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे, ये एक इसका रूल मान लीजिए, स्टेटमेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक रेगुलर है कि जो हमेशा रहने ही वाला है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है। चलिए इतना तो, ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा वो बता दिया, नॉर्मल सा एक इंट्रो दे दिया मैंने, कुछ इस टाइप से पढ़ने वाले, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में आया अच्छे से आप बिल्कुल एक एक चीज़ खोल के पढ़ेंगे, इंट्रो था, इंट्रो नहीं समझ में आया मैं एक और बार फिर से बता दूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जहाँ हमारी लाइट की रे जो है वो बाउंस बैक होती है, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, हमारी बैंड होती है, बैंड एंड बाउंस, ये टू वर्ड्स हैं जो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे,
ये बाउंस है एंड दैट वॉज बेंट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसको बोला था कि इस चैप्टर को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कर दिया हमने इसको। स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या रखा है। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया। सबसे पहले मैंने अभी इंट्रो दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के बारे में। ठीक है, अब मेन चीज़ पर आते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेन। ठीक है, क्या लाइट है? लाइट चैप्टर है हमारा, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यही तो है, लाइट है। इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी टू फिनोमिनास। हम दो फिनोमिनास के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। फिनोमिनास बोल दिए, प्रोसेस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक क्या है हमारा रिफ्रैक्शन एंड एक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, आ सकता है आपसे पूछने के लिए रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है मिरर। ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन का लेंसेज। ठीक है, और ये मिरर एंड लेंसेज क्या है, हमारे बेसिक ऑप्टिकल डिवाइसेज है। क्या है? बेसिक ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं हमारे। ठीक है दोनों। अब मिरर में कैसा, प्लेन मिरर, मिरर हर तरीके, मिरर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है हमारा, सपोज ये एक मिरर है हमारा प्लेन। ठीक है, एक तरफ इस पर कोटिंग होती है, ये जो हम बोल रहे हैं ये क्या होती है, हमारी कोटिंग होती है। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का कोटिंग है, एक तरफ जहाँ से हम देखते हैं वहाँ प्लेन है। ठीक है, पीछे कोटिंग रहती है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी रे पास करते हैं तो इस पर बाउंसिंग बैक होके आती है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, लेंसेज, अब यहाँ पर हम लेंसेज ले रहे हैं, लेंसेज ही इसका एग्जांपल है, लेंसेज ही लेंसेज। सपोज ये हमारी ये क्या है, लेंस है ऐसे। तो हम जब इस पर कोई भी रे पास करेंगे तो वो क्या होगी, ऐसे पास हो जाएगी इस पर, यहाँ क्या हो जाती है, पास हो जाती है, इस पर कोई बाउंसिंग बैक नहीं होती। बट ये देख रहे हो आप, ऐसे बैंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बैंड जरूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ अब ये स्पेरिकल है, स्पेरिकल लिखा हुआ है मैंने, आप बोलोगे क्या लिखा है, तो स्पेरिकल एकदम, स्पेरिकल से हमने क्या लिया, हमने स्पेरिकल से लिया एक, लिया कॉनकेव मिरर एंड एक कॉनवेक्स। ठीक है, कॉनवेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, दोनों कॉनवेक्स एंड कॉनकेव मिरर है हमारे, जो हमने दोनों लिए, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जिसमें हम अंदर की तरफ देखते हैं। ठीक है, कौन, पहले मैं कॉनकेव बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ CONCEV कॉनकेव लिखा। ठीक है, कॉनकेव के बारे में बता रहा हूँ। चम्मच देखिए आपने, चम्मच देखिए, नहीं देखी, चलिए मैं लेके आता हूँ, मेरे पास है चम्मच, मैं लेके आता हूँ। तो मैंने चम्मच ले ली। ठीक है, ये मैं चम्मच लेकर आ चुका हूँ, ये आप चम्मच देख पा रहे होंगे। अब देखिए मैं इसमें ऐसे देखता हूँ, इस तरफ से फर्स्ट तरफ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ अपने आप को, इस तरफ से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस करके देखूँगा। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ इसमें अपने आप को, तो मैं, मुझे क्या चम्मच चमकता है, मुझे, मैं अपने आप को देख सकता हूँ, बट कैसा, उल्टा देख पा रहा हूँ, मेरा सिर ऊपर है, तो इसमें हमारा सिर कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बट अगर मैं इस तरफ से देखूँगा तो इस तरफ से मैं बिल्कुल सही अपने आप को देख पा रहा हूँ, जैसा हूँ मैं, ऐसी सिर ऊपर है, सही नीचे, ऐसे ही मैं इसको इसमें देख पा रहा हूँ। और आप भी देख सकते हैं, तो देखिए अपने आप को इसमें, देखिए एक बार, आपको बोर्ड चमक रहा होगा, देखिए चमक रहा होगा, देखिए इस तरफ से एंड इस तरफ से, देखिए मोटा मोटा चमक रहा है बहुत, देखिए मोटा मोटा चमक रहा है इस तरफ से एंड इस तरफ से, पतला पतला बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये अंदर वाली तरफ जो है क्या है, कॉन्वेक्स है, यानी कि चम्मच ऐसे होती है, तो ये हमारी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा, जहाँ हम अंदर से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव हो गया एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जिसमें हम बाहर की तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोटिंग अंदर होती है और यहाँ हम इसे बाहर की तरफ से देख सकते हैं, ये इसको हम यहाँ से सी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप कॉन्वेक्स मिरर में एंड कॉनकेव मिरर में, इनमें मिरर्स में डिफरेंस है। ठीक है, सिंपली एक स्पून इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मैं स्पून को रख देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्पेरिकल, अब रिफ्लेक्शन में भी लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाओगे तो इसके बारे में, टू सेकंड पार्ट में बता आप मेरे, तो थोड़ा बेसिक नॉर्मल सा है, जो साथ साथ लेके चलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ स्पेरिकल में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सेम, यहाँ पर भी यही है, CONCEV कॉनकेव लेंस यहाँ पर, कॉनकेव मिरर यहाँ था और कॉनकेव लेंस यहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है। ठीक है, लेंसेज यहाँ दोनों तरफ लेंस है एंड यहाँ मिरर थे। ठीक है,
मिरर यहाँ है, लेंस यहाँ। अब कौन के लेंस कैसी होती है एंड कौन वैक्स लेंस कैसी होती है, तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस कैसी होती है हमारी, जो जो कैसी होगी टू एंड पॉइंट्स पर कैसी होगी, चौड़ी होगी, ठीक है, दो तरफ से चौड़ी होगी, बीच में से क्या होगी पतली होगी। मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए कि कैसी होती है, ठीक है। एंड कॉनवेक्स इसका जस्ट अपोजिट, ये दोनों पॉइंट से क्या होगी बारीक होगी एंड पतली होगी, बीच में से कैसा होगा मोटी होगी, ठीक है, ये यहाँ ये दो तरफ से मोटी होती है, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। आप इसको समझ के ध्यान से सिंपल लैंग्वेज बताया हुआ है मैंने बिल्कुल, कि जो हमारी दोनों एंड पॉइंट्स से चौड़ी होती है, बीच में से पतली है, वो हमारी कॉन्वेक्स है, जो पॉइंट्स दोनों एंड पॉइंट्स पर क्या है स्मॉल यानी बारीक है पतली है और बीच में से मोटी है, वो कॉन्वेक्स लेंस हो गई। और कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसमें अंदर की तरफ देख सकते हैं, चम्मच को देखा होगा, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स कैसा होता है हमारा, जो हम बाहर की तरफ देखते हैं बाहर की तरफ दिखता है, ठीक है, ये हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर लेंसेज हैं। ये हमारा चैप्टर का स्टार्ट था, हमने अच्छे से स्टार्ट को कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा क्या है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेन इंपॉर्टेंट कि ये लेंसेज कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट ब्लू कलर से, ठीक है, कि लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कैसी होती हैं लेंसेज हमारी, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, अच्छे समझ में आ चुका होगा, वो ट्रांसपेरेंट लेंस और इसके बीच पे डिफरेंस अच्छे से हो चुका होगा, ठीक है। अब हम नॉर्मली पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप अच्छे से डिटेल। तो नेक्स्ट टॉपिक लिया हुआ है हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बोलोगे आप सर बार बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा दीजिए आके। अरे हाँ भी हाँ, अब आगे लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था ना, ऐसे वाला जो बनाया था, वो यहाँ मैंने इसको सिर्फ ऐसे करके ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने वो वाला डायग्राम बना दिया। फर्स्ट मैंने आपको ये बता दिया है, आप कन्फ्यूज हो कि सर नहीं ये कौन सा डायग्राम बना दिया, ठीक है। देन अब ये है क्या, मैं अच्छे से बता दूँ आपको इसके बारे में। देखिए ये है इंसिडेंस रे, यानी कि जहाँ से हमने लाइट को पास करा, यहाँ से हमने पास कर लाइट को, ये बाउंस बैक होकर के वापस जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है हमारी, ठीक है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। ये जो हमने ड्रॉ करा हुआ है, ये है हमारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थीके? तो ये क्या है, लॉज है हमारे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था तो मैंने यहाँ अब लिख दिया, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमारी, सॉरी, जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि नहीं भी दो रेज हमारी जब ऐसे जा रही होती है, बाउंस बैक हो रही है, यानी कि जो हमारी रेज है क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रही है, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस पर, तो हमारा जो एंगल आई होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा फर्स्ट लॉ ये है। सेकेंड द इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन, इंसिडेंस लाइन ये है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव लाइन ये है, नॉर्मल ये, लाई ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट, ये सेम सारी लाई एक पॉइंट पर लाई कर रही है, जो ये पॉइंट है तीनों के तीनों वहीं अगर मिल गए, इसको हम पी बोलते हैं, ठीक है, और ये पी क्यों बोलते हैं ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंपली इतना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये लॉज है, अब मैं साइड हो गया हूँ, आप सॉल्टी स्क्रीन लीजिए या पेंसिल नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये हमारा इतना हुआ, अब इसका और थोड़ा हमें आगे गिवन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑबिड बॉथ बॉथ कंडीशंस, हमें दो कंडीशंस हो सकती हैं जिन पे हमारा ये लाई होगा, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ जी, यहाँ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर सरफेस हो गया यहाँ, और मैं लिख लेता हूँ इनरेगुलर सरफेस ये वाला, ठीक है, इनरेगुलर यहाँ है, रेगुलर है, मतलब ये रेगुलर तो बिल्कुल ऐसे एक सा है, जबकि इनरेगुलर में ऐसा है, ये ऊपर खबर का है, नीचे ऊंचा नीचा है, ठीक है, ये हमारा इनरेगुलर सरफेस हो गया, ये रेगुलर हो गया, ठीक है, ये रेगुलर है, वो इनरेगुलर है, ठीक है, रेगुलर हो इनरेगुलर लिख देता हूँ दूसरे कलर से जिससे अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है, रेगुलर
रेगुलर ये हो गया हमारा, ठीक है, और इन रेगुलर वहाँ पर हमारा, इसको भी इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। रेगुलर सरफेस, ठीक है, अच्छे से लिख दिया मैंने, साथ के साथ मैं भी आपके साथ साथ नोट कर रहा हूँ ताकि आप भी नोट करें साथ के साथ। फ्रेंड्स आई होप, मैं सपोज करता हूँ कि आप भी पेंसिल नोटबुक लेकर के बैठे हो गए, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन होती है सबके पास होती है, आप वो उसमें से क्या करते नोट कराते हैं, वो आता है तो बढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लिखा हुआ पहले ही रहता है, तो जिससे आप ये पूरा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताने वाला हूँ आपको, तो समझ लीजिए ध्यान से, मैं साथ के साथ इसीलिए नोट करूँगा इसके, आप भी नोट करो, नोट करोगे तो अच्छे से नोट्स बनेंगे, ठीक है। ये मैं, हाँ, तो रेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस पे यही रिफ्लेक्शन लाइट का मैं बता रहा था। देन मैं नेक्स्ट कलर लिया, ये कोई भी रे आती है ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। इसमें मेन होता है गाइज, आपको ऐसे मार्क बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बनाया ना तो आपका डायग्राम और मार्क्स काटे जाएंगे, वो भी हाफ, ठीक है, पूरे आधे नंबर कटते हैं बिना इसके एरो के। इसमें पता है ये यहाँ से आई तो यहाँ गई, ये यहाँ से आई यहाँ गई, ये यहाँ से आई यहाँ गई, ठीक है, इसका ये सेंस रहता है। ऐसे ही सेम हमने इस पर लिया, ठीक है, यहाँ आई है, यहाँ आई तो यहाँ भी आएगी एंड देन यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ आती है यहाँ जाती है, यहाँ से आई इधर से गई इधर से इधर से, ठीक है, ये रेगुलर सरफेस पर है, ठीक है। यहाँ भी मैंने एरोज़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एरोज़ नहीं लगाऊंगा तो मेरे आधे नंबर कट जाएंगे, ये बात मुझको अच्छे से पता है, ठीक है, ठीक है, लगा दिया। अब मैं, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, भाई आपने बोला कि सर आपने तो बना दिया, आप इसको चेक भी तो कीजिए। हाँ बिल्कुल चेक करेंगे, जब हम यहाँ पर इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आता है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल तो ये एंगल इसके इक्वल आता है, ऐसे ही हमारा रूल फॉलो होता है। देन ऐसे ही जब यहाँ यहाँ ड्रॉ करेंगे तो एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसका जो ये है हमारा, अब इसका कैसा बनेगा हमारा नॉर्मल, तो ये हमारा ऐसे, अब सपोज ये यहाँ आके यहाँ मिलता है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल हमारा ऐसे ड्रो होगा, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है, यहाँ इसका ऐसे ड्रो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के, थोड़ा लाइन सीधी नहीं खींच पाइए, बट ऐसे ही एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, अच्छे से आप क्लियर हो चुका होगा। रेगुलर सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस पे भी हमारे लिए जो लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये क्या करते हैं, अप्लाई होते हैं, चाहे वो रेगुलर सरफेस है या इरेगुलर सरफेस, हमारे बहुत पर ये अप्लाई होंगे। तो यहाँ तक हम चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, अब हम अपना स्टडी नेक्स्ट करेंगे मिरर के वाले में, तो चलिए करते हैं स्टडी। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे सर आपने तो बोर्ड भर दिया, बोर्ड तो भर दिया, बता तो दीजिए ये है क्या। अरे हाँ बिल्कुल बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका लिखा हुआ फारसी से लग रहा होगा। मिरर, मिरर के बारे में पढ़ना है अब हमें। अब आप बोलोगे सर पढ़ तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में रहे थे, मिरर कहाँ से आया। भाई मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ऊपर कि मिरर इज़ यूज टू स्टडी रिफ्लेक्शन, के मिरर का इस्तेमाल हम स्टडी में करते हैं रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन की जो स्टडी होगी वो मिरर के ही थ्रू होगी, मैंने इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। आप देख लो, फिर भी पूछते क्वेश्चन, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा कीजिए, जो भी आपका डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। मैंने प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर है एक हमारा सादा सिंपल मिरर है, जो कि आप घर में या कवर्ड में आपके होता है यूज़ करते हो, ठीक है, जो आपके ड्रेसिंग टेबल में भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल इमेज, सपोज ये कैंडल है जिसकी इमेज हमें प्लेन मिरर में सेम दिखेगी, सेम साइज सेम, वो बिल्कुल जितने डिस्टेंस है ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। एंड कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होगा हमारा फोकस, ये फोकस है भाई, इन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा आगे बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, सिंपली आप इसका एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है। ये होता है, यहाँ तो रियल बननी है, यहाँ वर्चुअल इमेज बननी है, कैसे हो रही है, ठीक है, मैं आपको इमेज बताता हूँ। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, एक मिरर में इमेज कैसे दिखती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं भाई थोड़ा साइड में इसलिए लग रहा हूँ आपको, कटा है, हाँ मैं इस तरफ थोड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मेरा सीधा हाथ से बताता हूँ, तो इसलिए मैं अलग हो गया हूँ, आपको दिखता नहीं हूँ, बट आप समझिए वॉइस तो मेरी आ रही होगी, ठीक है। प्लान मिरर में क्या है, सपोज हमने ये कोई भी एक, यहाँ हमारा ये है प्लान मिरर, ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया हुआ है अपना ये प्लान
प्लेन मिरर, ये हमारी क्या है कोटिंग है, याद रखना क्या है ये कोटिंग है, ठीक है। हमने प्लेन मिरर अपना दिया हुआ है। अब हमारा सपोज यहाँ हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने कैंडल ही ले लेते हैं, हम कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा है कैंडल जल रहा है, ठीक है। अब हमको कैसे दिखेगा, यहाँ हमारी ये क्या है एक वूमन आई है, ठीक है। आई है ये जो हमें यहाँ पे इमेज दिखेगी वो है हमारी यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से हम इसको देखेंगे इमेज। तो जब लाइट चल रही है यहाँ से रे पड़ती है हमारी यहाँ, ठीक है, एंड वापस बाउंस बैक होकर आती है प्लेन मिरर में, यहाँ देन और रे पड़ती जाती है यहाँ, देन वापस यहाँ आती है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सिंपली जो हम अपनी इमेजेस को शो करेंगे सिर्फ दो रेज से करेंगे, बट जो रेज़ का नंबर होता है ना इमेज को फॉर्म करने की, रेज जो होती है उनका नंबर जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इतनी रेज हमारी आती है। अब मैं जो कैमरे में आपको दिखा हूँ ये इनफाइनाइट रेज हैं जो आपको दिखा रही हैं, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट को पर हम शो करते हैं सिर्फ दो रेज से, ठीक है। कोई भी दो रेज हम उससे आराम से इमेज को शो कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली बता देते हैं, ठीक है, ये दो रेज है हमारी, ठीक है। जो हम अब मैं कलर चेंज करके थोड़ा देखता हूँ, अब हम यहाँ इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जो होता है इसका, यहाँ ये नॉर्मल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यहाँ इसका नॉर्मल बनाया मैंने तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये ऐसे हमारे क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। दो ही रेस क्यों लिया मैंने बता दिया आपको, इसीलिए क्योंकि दो रेस से हम शो करते हैं। अब ये हमारा मिरर है पीछे, यहाँ ये और ये आपस में जा करके यहाँ पर ये मीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये मिलती है तो यहीं हमारी ये इमेज कैसी होगी, फॉर्म्ड होगी, यहीं हमें इमेज शो होगी अपने एक प्लान मिरर में, हमें यहाँ पर ये इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। यहीं हमें इमेज दिखेगी, इस टाइप से हमारी इमेज फॉर्म होती है और इस टाइप से हमें दिखती है। मैंने आपको फिर बोला मैं साइड में इसलिए, क्योंकि मैं इस तरफ से बता रहा हूँ, सीधे हाथ से मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमारी ह्यूमन आई थी जिसके थ्रू हमको इमेज यहाँ दिखी और कैसे फॉर्म हुई दो रेस की मदद से ये दिखा। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर 5 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी शीशे के अंदर हमें लगे अंदर बनेगी तो शीशे के अंदर 5 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज की साइज, सपोज इसका साइज 6 है तो इसका साइज भी 6 ही दिखेगा हमें, यानी जो साइज ऑब्जेक्ट है वो ही हमारे मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज भी हमारा इक्वल ही होगा, ठीक है। ये हो गया। एंड थर्ड, सीन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो इमेज हमको दिखती है जैसे ये दिख रही है तो ये कैसी है, रियल इमेज है। जो हमको नहीं दिखती वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। अब ये रियल वर्चुअल है क्या, ये हमारे टू नेचर्स हैं इमेज के, इमेज के दो नेचर होते हैं। यहाँ रखना क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी नेचर्स ऑफ इमेज एंड राइट देयर नेम, तो दे आर टू नेचर्स ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। रियल एक होता है एंड वर्चुअल एक होता है, वर्चुअल डायरेक्ट होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, ये भी लिख सकते हैं। अभी हमने एक टॉपिक लिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है, जो हमारा इमेज हमको दिख रहा है शीशे में मिरर में हमें इमेज दिख रहा है हमारा, तो ये हमारे लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। हम इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जैसे उल्टी इमेज दिखती है। मैंने आपके पास इसको लिया था, मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा स्पून, स्पून था, मैं जब इस तरफ से देख रहा हूँ यानी कि बैक साइड से देखता हूँ, मैं बैक साइड से देखता हूँ तो इमेज मुझको कैसे चमकता है, सीधा चमकता है, ठीक है, सीधा चमकता है यहाँ से। बट जब मैं इस तरफ से देखता हूँ तो मुझे उल्टा इमेज चमकता है, यानी कि सिर में नीचे होता है बॉडी ऊपर होती है, तो यही क्या है हमारा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यही हमारा लेटरल इन्वर्जन होता है, अच्छे समझ में आ चुका होगा इतना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इमेज कैसे फॉर्म होती है, क्लियर है यहाँ तक। ये चम्मच वाला एग्जाम्पल जो लिया मैंने, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर से, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स की जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसे होते हैं, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप थ्योरी बना करके इसका लिख सकते हैं, और बाकी इसकी थ्योरी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक वन ऑफ मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इमेज कैसे फॉर्म होती है आपको समझ में आ चुका होगा। अब आती है बात कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शंस, ठीक है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में यहीं पर समझा देता हूँ, बोर्ड से एक बॉक्स बना देते हैं, इसे यहीं समझ लेंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग एंड
डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग बिखरी हुई कन्वर्जिंग एक जगह इकट्ठी जो रही हो जाती है, डाइवर्जिंग बिखरना, ठीक है, सिंपली कन्वर्जिंग का इकट्ठा होना, डाइवर्जिंग का बिखरना, ये मतलब होता है इनका। तो सेम सिंपली ये भी हमारा रेस से है, यही कनेक्टेड है, ये हमारा एक मिरर है, थोड़ा तो सही से बना लेते हैं यार, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो भाई आप ड्राइंग को जाना समझना बस, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ एक रे आती है हमारी, यहाँ एक रे आती है, यहाँ एक रे, यहाँ एक रे, ठीक है, देन यहाँ एक रे, ठीक है, ये रेज आई है हमारी, और ये सब यहाँ पे एक फोकस पॉइंट है जहाँ पर ये सब आकर मिल रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सब आके मिल रही है भाई, ठीक है, एक फोकस पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से ये जा रही है, ठीक है, ये क्या है, फोकस पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फोकस पॉइंट है। तो हमारी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, सारी रे इकट्ठी हो रही है एक जगह आकर, ये डायग्राम ऐसे बनाना है आपको, कन्वर्जिंग का कन्वर्जिंग एक्शन है, ये सारी रेज हमारी यहाँ आकर क्या हो रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, ठीक है। अब ये आपने बोला बीच वाली लाइन तो यहीं गई है, यहीं वापस बैक होगी, हाँ, जो बीच में हमारी किससे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बीच से टकराती है, मैं पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा अभी, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, ये है, यहाँ पर से ही वापस जाएगी, सेंटर पर आके टकराती है, सेंटर से वापस जाएगी, यहाँ हमारे फोकस पॉइंट पर साइन रेज आपसे अट्रैक्ट होते हैं। कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर में होता है, ठीक है। अब बात आती है डाइवर्जिंग रेज की, ठीक है, डाइवर्जिंग रेज को चलिए ब्लू से नॉट करते, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जिंग है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर बना राजा, ठीक है, यहाँ रे आती है तो इस तरफ जाती है, यहाँ रे आती है यहीं रहती है, यहाँ भी आती है तो यहीं, ठीक है, यहाँ से यहीं वापस आएगी, आ जा रही है यहाँ, ये थोड़ा डायग्राम इस बनता है बना रहा था, डायग्राम को बचाना है, ठीक है, बट हम इसको सपोज ही करते हैं महाराजा, इसको हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये फोकस हो गया, सी हो गया, ठीक है। हमारी यहाँ क्या हो रही है, रेज डाइवर्स हो रही है, सारी रे हमारी यहाँ डाइवर्स है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, वापस बीच में जा रही है, कभी आपस में मिल ही नहीं सकती, ये डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारी रे डाइवर्स होंगी, एंड कॉनकेव मिरर में हमारी आपस में क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ठीक है, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन थे हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है, समझ में अच्छे से मिरर पढ़ रहे हैं अभी हम, किसके मिरर, मिरर ही एक इतना सातरा सहारा है लिखा हुआ है, मिरर इज यूज टू स्टडी रिफ्लेक्शन में स्टडी के, ठीक है, यहाँ हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बता दूं मैं कि रियल इमेज फोकस पॉइंट आपके सामने बनता है, वो हमारी रियल इमेज होती है, ठीक है, रियल इमेज होती है, और जो ऐसे हम सपोज करके बनाते हैं ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमने अपना आप बनाई है, बनी नहीं है, हमने बनाई है अपना आप, पीछे सपोज कर, ये डॉट डॉट का मतलब सपोज करके हम बना रहे हैं अपना आप, तो वर्चुअल बनेगी, और जो अपना आप बनती है नेचुरली वो हमारी रियल होती है। तो डिफरेंस है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बीच में, और मैं डाय फोटोज इनके सबके घेर दूंगा आपको, साइड दिखा दूंगा, सीधा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ये सब है, आप मैं पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है, पॉइंट। तो एसोसिएटेड टर्म्स बोला था मैंने, एसोसिएटेड टर्म्स जो हैं ये हमारी क्या हैं, तो ये जो यहाँ पे साइंस थे मैं आपसे बार बार बोला था कि साइन के बारे में बताऊंगा, तो ये वही साइंस हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, देन पोल भी बोल देते हैं हम मिरर में, पोल ही का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, पोल हो जाता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये कर्वेचर गिवन है, इस डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट डायग्राम भी है यहाँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, छोटी स्क्रीन ले लीजिए, मैंने 3 डायग्राम्स आपके लिए यूज़ करे हुए हैं उसमें। तो रे डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं, सम इम्पोर्टेंट रेज हैं, रे डायग्राम्स हैं, ठीक है, रे डायग्राम में फर्स्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी दूर रखते हैं तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, ये हमारा कॉनकेव लेंस का डायग्राम है, ये दो ऑफिट देन बिहाइंड एफ एफ के थोड़ा पास रखते हैं तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे सिंपली इन दो डायग्राम्स में हमने यही बताया हुआ है, आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसलिए मैंने रे डायग्राम अच्छे से हम ड्रो नहीं कर पाते बोर्ड पर, तो इसलिए ऐसे हमने करा हुआ है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई होप। दो हमारे 6 केसेस हमारे फॉर्म होते हैं, 2 केसेस मैंने बता दिए एंड 4 केसेस हम जिनके बारे में आगे हम स्टडी करते हैं, तो देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो दो डायग्राम है वो आपके ये रहे, एफ पर रखेंगे यानी कि फोकस वन पर रखेंगे तो डायग्राम कैसा होगा। ये ऊपर वाला क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे हैं जब हम बिटवीन एफ और 2f1 के रखेंगे तो कैसा हमारा इमेज फॉर्म होगा। यहाँ वो दो डायग्राम्स हम मैंने आपको बताए हैं और नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम वो थोड़ा ऊपर से कट गया था, इस वजह से यहाँ देख रहे होंगे आप ऊपर वो है और ये नेक्स्ट है। जब हम फोकस पर रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर वो भी हमने बताया हुआ है। तो ये हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर हमारा 5 है एंड लास्ट केस बचा है वो भी आपको दिखा देते हैं। और टेक्स्ट बुक से भी अभी, और टेक्स्ट बुक से भी हमने हेल्प से उसकी मदद से यहाँ घेरा हुआ है, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स की उससे घेर देंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो आपके डायग्राम और बुक है तो आप वहाँ से सिंपली देख सकते हैं। रे डायग्राम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेज के बारे में बताया है। अब रेज के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट रेज जो है, ठीक है। ये तो रे डायग्राम्स हो गए, रेज के बारे में जानना जरूरी है तो आपके क्लियर, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम्स हैं आपके आगे, रे वन, रे टू, रे थ्री, गिवन है। तो सबसे पहली तरफ, फर्स्ट इस तरफ लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, वो कौन सी रेज है, कौन से मिरर पर हमने रेज का यूज़ करा हुआ है, कॉनकेव मिरर पे। देन लेफ्ट राइट साइड कौन से, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो आप देख सकते हैं डाइवर्ज हो रही है कॉन्वेक्स पर और कॉनकेव पर आपस में क्या हो रही है, मिल रही है यानी कि कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो समझाया था वो ही सिंपली यहाँ पर हमारा ऑब्जर्व होता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस। रे डायग्राम के इमेजेस हैं, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस इमेज से आप समझ सके वहाँ से समझ लीजिए। मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं बताया, मैं आपको फिर बताता हूँ क्योंकि बोर्ड पर सही तरीके से मैं बता नहीं पाता। अगर मेरे पास बोर्ड होता, इलेक्ट्रिक वाला, डिजिटल वाला, तो बता देता, ठीक है।